वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश देने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी मिलने का मामला सामने आया। इसके बाद एनआईए कोर्ट के स्पेशल जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने रजिस्ट्रार जनरल इलाहाबाद हाईकोर्ट को चिट्ठी लिखी, उनकी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई। दरअसल जज रवि कुमार दिवाकर को 3 हफ्ते पहले अदनान खान नाम के एक शख्स ने धमकी दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अपने लेटर में लिखा कि जांच से पता चला कि इस्लामी कट्टरपंथी जज दिवाकर की हत्या की साजिश रच रहे हैं और ये एक संवेदनशील मुद्दा है। वहीं उन्होंने इस बात की फिक्र भी जाहिर की कि अगर अदनान की गतिविधियों पर शिकंजा नहीं कसा गया तो कोई बड़ी घटना हो सकती है। जज दिवाकर बरेली में एडिशनल सेशन जज हैं। उन्होंने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखा, अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। खत में उन्होंने 13 मई 2022 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद मिली सुरक्षा को कम बताया। उन्होंने खत के जरिए उनको उनके परिवार को सही सुरक्षा देने तक की मांग की है। इस साल 25 अप्रैल को जज दिवाकर ने बरेली पुलिस को बताया कि उन्हें धमकी भरे इंटरनेशनल कॉल्स मिल रहे हैं। जज दिवाकर का कहना है कि इस्लामिक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं और जज दिवाकर को काफिर बताकर उन्हें उनके खिलाफ कर रहे हैं। इनका मकसद जज दिवाकर की हत्या करवाना है। हालांकि जज दिवाकर को 13 मई 2022 को आए इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही सुरक्षा मिली हुई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जज दिवाकर की सुरक्षा में 2 कर्मी शामिल हैं, लेकिन ये किसी भी आतंकी हमले को रोकने में काफी हद तक कामयाब नहीं है। आतंकी हमले की स्थिति में उनके पास आधुनिक हथियार भी नहीं है। 3 जून को यूपी एटीएस जांच अधिकारी ने धमकी देने वाले अदनान खान के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की। अदनान खान ने कथित तौर पर जज दिवाकर के खिलाफ धमकियां देने के लिए अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का इस्तेमाल किया। इससे उनके खिलाफ हिंसा को बढ़ावा मिला। एटीएस अधिकारी प्रभाकर ओझा, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है, उसमें कहा गया कि अदनान खान एक इंस्टाग्राम अकाउंट चलाता है जिसके जरिए वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई कर रहे जज रवि कुमार दिवाकर को धमकी दी गई है।